हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में कि हम लोग व्हाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसका सिंटैक्स किस तरीके का होगा। हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हम लोग व्हाइल लूप को कैसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाइल लूप होता क्या है और व्हाइल लूप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया कि व्हाइल लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल सम कंडीशंस रिमेंस ट्रू। इसमें बता रहे कि हमने जो भी कंडीशंस दिए हैं, जब तक वो कंडीशंस ट्रू होता जाएगा तब तक जो हमारा कोड है वो सिंपल रन करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आगे एग्जाम्पल में लिखा गया है व्हाइल माई पूल इज नॉट फुल कीप फिलिंग माई पूल विथ वाटर। जैसे यहाँ पे बताया, जब तक मेरा पूल क्या है पानी से भरा हुआ ना हो तब तक क्या करिए, आप उसको पानी से भरते रहिए। और जैसे यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं, व्हाइल माई डॉग आर स्टिल हंग्री कीप फीडिंग माई डॉग, जब तक मेरे कुत्ते को भूख लगे तब तक आप उसको खिलाते रहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता जाएगा तब तक हमारा जो कोड रहेगा वो आगे रन करता हुआ आगे चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप के सिंटैक्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से व्हाइल लूप को एक कोड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा गया है व्हाइल सम बूलियन कंडीशन, यहाँ पे हम जो कंडीशन दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग एल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप में एल्स का यूज़ करते थे वैसे। अगर हमारा व्हाइल कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स में हम जो भी यहाँ पे हैशटैग डू समथिंग डिफरेंट में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख के प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ज्यूपिटर नोटबुक पे और कुछ एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइल लूप को हम लोग किसी भी कोड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ज्यूपिटर नोटबुक पे, अब हम यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं कि व्हाइल लूप को हम लोग कैसे किसी भी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा एक्स है वो क्या असाइन कर रहा है, जीरो को। अब हम लोग इस कोड में आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल एक्स इज स्मॉलर देन 5 प्रिंट, और ये ब्रैकेट में हम लोग क्या यहाँ पे प्रिंट में लिखेंगे, द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग से बाहर आके यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स, और यहाँ पे इसको एंड ब्रैकेट और इधर इंटर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे x को क्या साइन कर देंगे, x इक्वल टू x प्लस 1। अब इसको हम लोग रन कर देंगे, रन करने के लिए हमको शिफ्ट प्लस इंटर क्लिक करना है। तो देखिए, अभी हमको यहाँ पे एक वैल्यू मिल चुकी है, द करेंट वैल्यू ऑफ x इज 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो लास्ट में यहाँ पे जो लाइन लिखा है x इक्वल टू x प्लस 1, जब हम लोग शुरुआत में जब कोई हम लोग कोड या फिर पाइथन सीखते हैं तो हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं, जैसे हम ये x इक्वल टू x प्लस 1 वाली लाइन को हम लोग लिखना भूल जाएं। अगर हम इसको लिखना भूल जाएंगे तब क्या होगा, देखते हैं। देखिए, जैसे मैं इसको बैकस्पेस करते और इंटर कर दिया, तो देखिए ये एक इन्फिनिटी लूप स्टार्ट हो चुका है, ये कभी भी एंड ही नहीं होगा। देखिए, चलता जाएगा नीचे तक, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इन्फाइनाइट लूप स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमेशा ही जीरो रहेगा हमारे पास, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके आगे चलेगा ही नहीं। तो अगर कभी हमारे साथ अगर ऐसा हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पे सीधा जाएंगे कर्नल पे, कर्नल पे जाके हमको यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, रीस्टार्ट। तो देखिए, रीस्टार्ट पे क्लिक करने जो हमारा इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो चुका था वो देखिए यहाँ पे बंद हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो हमको एक सही फॉर्मेट मिले, तो हम उसको क्या कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था x इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए, x इक्वल टू x प्लस 1 को लिखने, ये लिखने में थोड़ा ऑड लग रहा है ना, जैसे x है फिर इसको इक्वल टू x प्लस 1, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, x प्लस इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको इंटर प्लस शिफ्ट करते हैं, देखिए फिर हमको वही हमारा जो वैल्यू था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या पता चल गया कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है वाइल x इज स्मॉलर देन 5, जब तक x क्या है, तो इसमें हमको बता रहा है कि जब तक x क्या है हमारा 5 से जो है स्मॉल है, तब तक ये क्या करेगा, प्रिंट करके वैल्यू हमको देता हुआ चला जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आगे तक। और यहाँ पे 5 पे आते हुए देखिए 5 क्या है, ये 5 x से इक्वल है ना कि x से छोटा है, तो यहाँ पे जाके हमारा क्या कर रहा है, ये कोड यहाँ पे रन करना बंद हो जा रहा है। तो इसी कोड में भी हम लोग आगे चल के देखते हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा x यहाँ पे 4 से जो है बड़ा है, तब ये हमको क्या करे, प्रिंट करके आउटपुट दे दे कि हमारा जो ये कोड है वो यहाँ पे एंड कर चुका है, यहाँ पे रुक चुका है। तो देखिए, हमको पहले यहाँ पे जो इंडेंटेशन है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इंडेंटेशन से बाहर निकलने के लिए हमको यहाँ पे इस वाइल के नीचे आना पड़ेगा, वाइल। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, और यहाँ पे इंडेंटेशन इंटर प्रिंट, प्रिंट क्या कराना चाहते हैं हम लोग, एक्स इज नॉट लेस देन 5,
और इसको हम लोग रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 तक तो हमको सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट करके वैल्यू मिल रही है। जैसे ही देखिए यहाँ पे 5 आया, मतलब 5 के बराबर हो गया, ना कि छोटा है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, तुरंत ही क्या दे दे रहा है, एक्स इज नॉट लेस देन 5। तो देखिए हम जो यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते थे एक्स इज नॉट लेस देन 5, ये एग्जीक्यूट करके हमको सिंपल वैल्यू मिल चुका है। और इसी में देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को असाइन किया था 0, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स की वैल्यू को हम लोग असाइन कर लेते हैं 50, और अगर इसके बाद हम लोग इसको इंटर करके रन करेंगे तो देखिए आउटपुट में हमको सिंपल क्या देखिए सीधा ही मिल जा रहा है, एक्स इज नॉट लेस देन 5। इसको हम लोग समझते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, वाइल एक्स इज लेस देन 5, हम लोगों ने कोड में क्या लिखा था कि वाइल मतलब एक्स की वैल्यू जब 5 से कम हो तब हमको प्रिंट करके देगा कि द करंट वैल्यू ऑफ एक्स करके, जैसे सिंपल हमने जैसे लिखा तो हमको उस तरीके से प्रिंट करके देता। लेकिन हमने यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू असाइन 50 की तो 50 तो यहाँ पे सीधा ही 5 से जो है बड़ा है, तो ये सीधा ये वाइल वाले को जंप करके यहाँ पे सीधा एल्स वाले के पास आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट करके जो हमने प्रिंट कराया है ये एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट में जो है सीधा दे देगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रेक कंटिन्यू पास। तो ये ब्रेक कंटिन्यू और पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वी कैन यूज ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स इन आवर लूप टू एड एडिशनल फंक्शनैलिटीज फॉर वेरियस केसेस। तो देखिए हमारे पास ब्रेक कंटिन्यू पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं, अगर हम लोग लूप में कोई एक फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू और पास का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ब्रेक क्या करेगा, सिंपल ब्रेक्स आउट ऑफ द करंट क्लोजेस्ट इन क्लोजिंग लूप। ब्रेक क्या करेगा, हमारा जो भी लूप रहेगा वो उसको जो है क्या करेगा, क्लोज कर देगा। और कंटिन्यू क्या करेगा, गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग लूप। ये क्या करेगा, जो भी हमारा इनक्लोजिंग लूप रहेगा उसके सीधा टॉप पे चला जाएगा। अगर हम लोग पास का यूज करते हैं तो देखिए ये सिंपल कुछ नहीं करेगा, ये पास करके आगे जो है हमारे कोड को बढ़ा देगा। तो इसको भी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं कि इसको हम लोग कोड में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पास, कि हम लोग पास को कैसे जो है यूज करेंगे कोड में। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एक्स इक्वल टू, और इसके अंदर लिस्ट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। और इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप से इसको देखूंगा कि फॉर लूप से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर आइटम इन एक्स और यहाँ पे इंडेंटेशन और इंटर। यहाँ पे इंटर करने के बाद देखिए हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट ना लिखे और हम यहाँ पे लिख दे सिर्फ हैशटैग कमेंट, तो देखिए यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग इसको रन करेंगे देखिए हमको यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एरर देखने को मिल रहा है। और हम लोग इस अगर इस एरर से बचना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पास का। अगर हम लोग यहाँ पे पास लिखकर इसको इंटर करेंगे देखिए हमारा जो है एरर जो है हट जा रहा है और यहाँ पे सिंपल क्या कर दे रहा है, इसको पास कर दे रहा है। तो इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अब हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग एक स्ट्रिंग जो है क्रिएट करते हैं और स्ट्रिंग का मैं नाम रख देता हूँ माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ले लेता हूँ हर्ष। और देखिए मैं यहाँ पे इसको इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग और यहाँ पे इंडेंटेशन प्रिंट लेटर। और देखिए मैं इसको जैसे ही इंटर करूँगा तो हमारा जो आउटपुट है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हर्ष, HARSH। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ए है ये ए बीच में से हट जाए, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई स्ट्रिंग था, माई स्ट्रिंग के बाद ही मैं यहाँ पे लिख देता इफ लेटर इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे मैं सीधा लिख देता लेटर इज इक्वल टू ए, और इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें, और यहाँ पे इंडेंटेशन और यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ कर देते। और अब मैं इसको अगर रन करूँगा देखिए यहाँ पे ए जो है हट चुका है। अगर मैं चाहता यहाँ पे सिर्फ आर हटाना चाहता और ए को रहने देना चाहता तो मैं यहाँ पे क्या सिंपल कर देता, आर कर देता। और आर करने के बाद अगर मैं इसको रन करता देखिए यहाँ पे अब आर हट चुका है और ए आ चुका है वापस, मतलब कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई भी हमको वर्ड हटाना है तो हम लोग वहाँ पे जो है कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं कि हम लोग ब्रेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ब्रेक को देखिए हम लोग सिंपल क्या किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आर लिखता था तो ये क्या करता था, आर के लेटर को हटा देता था। लेकिन ब्रेक अगर हम लोग जैसे यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू की जगह पे अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो आर तक ही जो है आउटपुट हमको जो है देगा, और उसके बाद क्या करेगा वो हमारे बाकी के आउटपुट जो नीचे थे उसको हटा देगा। देखिए आर जैसे HARSH था और मैंने यहाँ पे आर के लेटर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो देखिए आर के पहले HA था तो सिर्फ और सिर्फ हमको आउटपुट में HA मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे S कर दूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे S कर दूँ और यहाँ पे इंटर कर दूँ तो देखिए ये HAR हमको मिल रहा है, और S से पहले जितने भी लेटर्स थे उनको ये क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है।
तो सिंपल हम समझ गए कि पास का यूज़ करते हैं हम लोग जो है किसी भी स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में, अगर कोई भी वर्ड हमको जो है उसमें से हटाना होगा तो हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। और ब्रेक का हम लोग सिंपल यूज़ कर सकते हैं किसी भी लूप में, अगर हमको कहीं पर भी ब्रेक लगाना होगा कहीं भी स्टेटमेंट में किसी भी वर्ड तक, तो हम लोग वहाँ पर ब्रेक का यूज़ करेंगे। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो फॉर में था, अभी हम लोग एक वाइल लूप में इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक्स को असाइन कर देता हूँ 0 और उसके बाद वाइल, वाइल क्या एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5 इंडेंटेशन प्रिंट, यहाँ पे क्या करना है एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँ इंटर करके, भी मैंने आपको बताया था ना कि हमको क्या करना है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल टू 1, और इसको हम लोग इंटर कर दें। तो यहाँ पे वाइल के बीच में हमने जो है स्पेस नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे हमको इरर जो है देखने को मिल रहा था। मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, देखिए हमको यहाँ पे सिंपल जो है आउटपुट में क्या मिल चुका है 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमने क्या कोड लिखा है कि एक्स की वैल्यू 0 हमने असाइन किया है और वाइल, और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया है कि वाइल करके, और यहाँ पे हमने आगे क्या किया है वाइल एक्स इज लेस देन 5, जब तक एक्स की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक वो हमको क्या करेगा सिंपल तक वो क्या करेगा प्रिंट करके आउटपुट हमको जो है देता रहेगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 हमको जो है यहाँ पे मिल चुका है। देखिए हमको यहाँ पे 0 1 2 3 4 हमको यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 के बाद ये यहाँ पे ब्रेक लग जाए, मतलब हमको आउटपुट में सिर्फ 0 1 और 2 मिले। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे इंडेंटेशन और प्रिंट करके यहाँ पे सीधा ब्रेक, और मैं इसको रन कर दूंगा। तो देखिए अभी मुझको यहाँ पे जो आउटपुट मिला है ये 0 1 और 2 मिला। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि पाइथन या फिर कोई भी कोडिंग स्किल जो है सीखना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर खराब लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.